मित्रों, ये कहानी है पुराने जमाने की। एक गांव में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर था। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती थी और झगड़ती थी। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण का पुत्र झगड़े से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा। ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा और उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ आगे जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है। शेर की नींद में खलन न पड़े इसके लिए हंस का पैरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता हुआ देखता है तो चिंता में पड़ जाता है और ये सोचता है कि ब्राह्मण पुत्र आएगा और शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं तो बचाएं कैसे। मित्रों, हंस को उपाय सोचता है और वो शेर के भाग की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुलने वाले हैं। ग्यारस के दिन देवता आपके घर में पधारे हैं। जल्दी उठो और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैर में रखता है और शीश नवाता है और जीभ से उनके पैर चाटने लगता है। मित्रों, हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, हे देव, ये सब गहने उठाओ और जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर चले जाओ। ये सिंह है, कब इसका मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझ जाता है और घर लौटता है। पड़ोसी और अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। मित्रों, अब शेर का पहरेदार बदल जाता है और नया पहरेदार होता है कौआ। जैसे कौए की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया हुआ है, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलन पैदा करूं, गुस्साएगा और ब्राह्मण को मारेगा तो मेरे भी हाथ कुछ लगेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोचा कौआ कांव कांव और चिल्लाने लगता है। शेर गुस्सा हो जाता है और सामने ब्राह्मण को आता हुआ देखता है तो उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौआ कांव कांव क्यों कर रहा है। मित्रों, शेर अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता है। फिर भी शेर शेर होता है और जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ का ब्राह्मण को कहता है, हंस और सरोवर गए, अब काग भय प्रधान, हमारे घर देवता पधारो, बन के जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले थे, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वो उड़कर सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं। अब कौआ प्रधान पहरेदार हैं जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहे हैं। मेरी बुद्धि घूमे इससे पहले कि ब्राह्मण तुम यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से पुण्य करवा दिया। मित्रों, दूसरा ब्राह्मण सारी बातों को समझ जाता है और डर के मारे अपने तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब यह है कि हंस और कौआ कोई और नहीं, हमारे चरित्र ही हैं। मित्रों, स्कूल या फिर ऑफिस में जो किसी साथी या कर्मी की गलती पर अफसर को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और उस पर कार्रवाई को उकसाते हैं, वे कौए जैसे होते हैं। जो किसी साथी कर्मी की गलती पर अफसर को बड़ा मन रखकर माफ करने के लिए कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के होते हैं। अपने आसपास छुपे बैठे हुए कौओं को पहचानो, उनसे दूर रहो और हंस प्रवृत्ति के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो। Thank you.